गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में पीएससी प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड पेपर में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग रक्त परिसंचरण की कार्यकी की चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने हृदय की संरचना की बात पढ़ी थी। आज हम हृदय के कार्य का अध्ययन करेंगे, जिसको कार्डियक साइकिल नाम की टाइटल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हृदय निरंतर रक्त से भरता है और रक्त को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बार हृदय में रक्त भरने और उसे पंप करने की क्रिया, एक बार की इस क्रिया को एक चक्र कहते हैं और यही चक्र निरंतर चलता रहता है। तो कैसे ये क्रिया होती है देखते हैं। हृदय के स्पंदन के लिए SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो हमने पिछले दिन आपको बताया था कि ये दाहिने आर्किल में ऊपर की तरफ पाया जाता है, यहीं से संकुचन के लिए इम्पल्स जनरेट होता है। इसको पेस मेकर कहते हैं। यहाँ जो इम्पल्स जनरेट होता है ये हृदय की मांसपेशियों में होता हुआ पूरे के पूरे दाहिने और बाएं दोनों आर्किल्स में, या दोनों एट्रिया जिसको हम कहते हैं, दोनों एट्रिया में एक वेव के रूप में पहुंच जाता है। वास्तव में ये एक डीपोलराइजेशन की वेव है, जैसा कि तंत्रिका तंत्र के आवेग में होता है कि सोडियम आयनों के लिए झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है और डीपोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है, वही स्थिति यहाँ भी बनती है। और जो पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, वो डीपोलराइज हो जाता है। ये डीपोलराइजेशन की तरंग पूरे के पूरे आर्किल्स में फैल जाती है और जिसके प्रभाव में आर्किल्स की मांसपेशियाँ या आर्किल्स की जो हृदय की मांसपेशियाँ हैं वो संकुचित होने लगती हैं, संकुचित हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ था SA नोड से, ये सीधे वेंट्रिकल्स में नहीं जाता, क्योंकि आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में आपको मैंने बताया था कि फाइब्रोटेंडिनस रिंग होती है। ये फाइब्रोटेंडिनस रिंग इम्पल्स को पार नहीं होने देती है, ये एक तरह के इंसुलेटिंग प्रकार की रिंग है। तो ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ ये आवेग AV नोड पर पहुँचता है और AV नोड से आपको मैंने बताया था कि बंडल ऑफ हिस निकलते हैं, कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स बंडल ऑफ हिस कहलाते हैं, वो निकलते हैं और वो स्ट्रक्चर्स फाइब्रोटेंडिनस रिंग को पार करके वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ इम्पल्स AV नोड पर पहुंचता है और वहां से बंडल ऑफ हिस में होते हुए फाइब्रोटेंडिनस रिंग को पार करके और वेंट्रिकल की दीवारों में पहुंचता है। वहाँ बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स की सहायता से ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल, दोनों दाहिने और बाएं दोनों ही वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1/10 सेकेंड लगता है, जो जब ऐसे नोड के इम्पल्स जनरेट होने से और वेंट्रिकल में पहुंचने के बीच में एक सेकंड का दसवां हिस्सा 1/10 लगता है। अर्थात आर्किल्स या एट्रियम पहले संकुचित होंगे और उसके 1/10 1/10 के उपरांत, 0.1 हम कह सकते हैं, तो 1/10 के उपरांत वेंट्रिकल्स संकुचित होंगे और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बाद जब वेंट्रिकल संकुचित हो जाते हैं उसके बाद रिलैक्सेशन की फेज आती है। रिलैक्सेशन की फेज में मांसपेशियां सामान्य अवस्था में आ जाती हैं और उसमें रिलैक्सेशन फेज में ब्लड की फिलिंग होने लगती है। तो जो संकुचन की अवस्था है उसको सिस्टोल कहते हैं, इसको पंपिंग फेज भी कहा जाता है, और जो रिलैक्सेशन की अवस्था है उसको डायास्टोल कहते हैं, ये फिलिंग फेज है।
तो दो अवस्थाएं हुई, एक अवस्था डायस्टोल अर्थात उसमें मांसपेशियां सामान्य अवस्था में हैं और रक्त भरा जा रहा है हृदय में, और दूसरी अवस्था सिस्टोल जिसमें मांसपेशियां संकुचित अवस्था में हैं और रक्त वहां से पंप किया जा रहा है। तो एक सिस्टोल और एक डायास्टोल, ये दोनों अल्टरनेट वे में आते रहते हैं, डायास्टोल फिर सिस्टोल फिर डायास्टोल और फिर सिस्टोल, ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो एक डायास्टोल और एक सिस्टोल के दौरान जो गतिविधियां होती हैं उसे एक कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहा जाता है। तो इस तरह से एक सिस्टोल और एक डायास्टोल ये दोनों मिला करके लगभग 0.8 सेकंड का समय लेते हैं, और अगर इसको हम देखें तो 60 सेकंड में अर्थात एक मिनट में 72 सिस्टोल और डायास्टोल की गतिविधियां होती हैं अर्थात 72 साइकिल्स पर मिनट। तो देखते हैं डायास्टोल और सिस्टोल को। डायास्टोल वो अवस्था है जब आर्टिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड अवस्था में होते हैं, और इस अवस्था में रक्त वेना केवा से होकर के दाहिने आर्टिकल में आता रहता है और पल्मोनरी वेन से होकर के बाएं आर्टिकल में रक्त आता रहता है। इस समय एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं वो खुली अवस्था में रहते हैं, अर्थात जो आर्टिकल से वेंट्रिकल को जोड़ने वाले वाल्व हैं वो खुले रहते हैं। तो जो रक्त आर्टिकल में पहुंच रहा है वो वेंट्रिकल में भी सामान्यतया सीधे ही पहुंचता रहता है। तो इस तरह से जब ये डायास्टोल की अवस्था होती है तो वेना केवा से रक्त दाहिने आर्टिकल में और वहाँ से दाहिने वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वेन से रक्त बाएँ आर्टिकल में और बाएं आर्टिकल से बाएं वेंट्रिकल में निरंतर भरता रहता है। जब डायास्टोल की अंतिम अवस्था आती है उस समय डायास्टोल की आखिरी फेज में अंतिम अवस्था में आर्टिकल या एट्रिया में संकुचन होता है, उसी अवस्था में वास्तव में एसएनोड सक्रिय होता है और आर्टिकल्स में संकुचन हो जाता है। इस संकुचन के साथ जो आर्टिकल्स में उपस्थित रक्त है वो पूरा का पूरा वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया जाता है, और इस पूरी अवस्था के दौरान पूरे डायास्टोल के समय सेमी लूनर वाल्व जो कि धमनियों के बेस पर स्थित होते हैं वो बंद रहते हैं, अर्थात रक्त वेंट्रिकल से धमनियों में इस अवधि में नहीं प्रवाहित होता नहीं जाता। जबकि जैसा मैंने बताया कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स वो खुले हुए हैं। तो ये डायास्टोल की अवस्था है जो फिलिंग फेज कहलाती है, और इस फिलिंग फेज में वेंट्रिकल्स पूरी तरह से रक्त से भर जाते हैं। दूसरी अवस्था आती है सिस्टोल, डायास्टोल के बाद की अवस्था सिस्टोल। ये वो अवस्था है जब वेंट्रिकल में संकुचन होता है, आर्टिकल के संकुचन के 1/10 1/10 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है और वेंट्रिकल्स रक्त को धमनियों में भेजते हैं, दाहिने वेंट्रिकल से रक्त पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हृदय में भेज दिया जाता है और बाएं वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा बाकी शरीर में भेज दिया जाता है। इस अवधि के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व अर्थात कस्पिड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद रहते हैं, जबकि सेमी लूनर वाल्व धमनियों के वाल्व खुल जाते हैं, और इसके कारण रक्त वेंट्रिकल से धमनियों में प्रवाहित होता है। इस समय जो जैसा मैंने बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हैं और इसलिए आर्टिकल से वेंट्रिकल में इस अवधि में कोई रक्त नहीं आता है सिस्टोल के दौरान, लेकिन आर्टिकल्स में रक्त भरता रहता है, वेना केवा और पल्मोनरी वेन से रक्त आर्टिकल में भरता रहता है, वो वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है क्योंकि आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है इन घटनाओं को, इस डायग्राम को आप देखेंगे।
कार्डियक साइकिल को सात अवस्थाओं में बांटा जाता है। सबसे पहली अवस्था एट्रियल कंट्रैक्शन, आर्टिकल्स का कंट्रैक्शन संकुचन, ये वास्तव में डायास्टोल की अंतिम अवस्था है। डायास्टोल की अंतिम अवस्था यह है आर्टिकल्स का संकुचित होना। यहीं से इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि साइनो आर्टिकुलर नोड जो है SA नोड वो इसी समय इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो साइनो आर्टिकुलर नोड SA नोड के इंपल्स जनरेशन को ही हम पहली अवस्था मान रहे हैं। वैसे किसे पहली अवस्था माने इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये चक्रीय व्यवस्था है, साइकिल है, और साइकिल में कोई भी प्रथम या द्वितीय स्थान नहीं हो सकता है। तो फिर भी सुविधा की दृष्टि से SA नोड के एक सक्रियकरण को, एक्टिवेशन को पहली अवस्था माना जाता है। यह है एट्रियल कंट्रैक्शन, आर्टिकल्स का संकुचित होना। दूसरी अवस्था आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, ये वेंट्रिकल्स के संकुचित होने की अवस्था है। तीसरी अवस्था इजेक्शन फेज कहलाती है, जब तेजी से रक्त आर्टरीज में, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा में रक्त तेजी से वेंट्रिकल द्वारा पंप किया जाता है, ये तीसरी अवस्था है इजेक्शन फेज। इसके बाद चौथी अवस्था, जब पंपिंग वेंट्रिकल से एओर्टा में पंपिंग स्लो हो जाती है अपेक्षाकृत, अर्थात अधिकांश रक्त उधर भेजा जा चुका है, कुछ रक्त शेष रह गया है, ये रेड्यूस्ड इजेक्शन फेज कहलाता है, अर्थात इजेक्शन की गति कम हो गई है। पांचवी अवस्था आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की अवस्था कहलाती है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं, उनकी मांसपेशियां संकुचन से वापस सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, ये वास्तव में रीपोलराइजेशन की अवस्था कहलाएगी। मांसपेशियों में पुनः जो पोटेंशियल था, सोडियम का बाहर अधिक होना, वो पोटेंशियल स्थापित कर दिया जाता है, और ये रिलैक्सेशन अवस्था है, रीपोलराइजेशन की अवस्था है। छठी अवस्था रैपिड फिलिंग की अवस्था कहलाती है, ये वो अवस्था है जबकि तेजी के साथ रक्त आर्टिकल से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, वेना केवा से और पल्मोनरी वेन से आर्टिकल में जा रहा है, आर्टिकल से वेंट्रिकल में जा रहा है। और सातवीं फेज रिड्यूस्ड फिलिंग, जब आर्टिकल्स में काफ़ी रक्त पहुंच जाता है, उसके बाद रक्त का आना अपेक्षाकृत कम हो जाता है, ये स्लो फिलिंग की अवस्था है, जिसको रिड्यूस्ड फिलिंग कहते हैं। और इसके सातवीं के बाद फिर से पहली अवस्था आ जाती है, अर्थात आर्टिकल्स भर गए हैं, अब वो एट्रिया भर गए हैं, अब उनकी दीवारें संकुचित होंगी। तो इस तरह से ये सात अवस्थाओं में कार्डियक साइकिल का अध्ययन किया जाता है। इसमें से जब पहली अवस्था होती है, इसको जब ECG लिया जाता है, तो ये पी वेव के रूप में दिखाई देता है, और ये डीपोलराइजेशन का शुरू होना है। आर्टिकल्स का या एट्रियम का डीपोलराइजेशन इसी अवस्था में प्रारंभ होता है, इसके बाद वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है, और लास्ट में पूरे आर्टिकल और वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन होता है। इनमें से जो हमने अवस्थाएं बताई हैं, अवस्था दो से लेकर के चार, अर्थात आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, इजेक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन, ये अवस्थाएं जो हैं ये सिस्टोल की अवस्थाएं हैं। इसके अलावा बाकी अवस्थाएं 1, 5, 6 और 7 ये डायास्टोल की अवस्थाएं हैं। सिस्टोल अर्थात पंपिंग स्टेज फेज नंबर 2, 3, 4 और डायस्टोल अर्थात फिलिंग फेज नंबर 1, 5, 6 एंड 7। जैसा मैंने बताया कि इस अवस्था एक से फेज वन से फेज सेवन तक पूरी क्रिया में 0.8 सेकंड लगता है, और इसी अनुसार एक मिनट में 72 साइकिल्स, 72 बार ये चक्र पूरे होते हैं, अर्थात कहते हैं कि एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अब बात कर लेते हैं ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की क्रियाएं हैं, ये वास्तव में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में परिवर्तन की
क्रियाएं हैं, विभवांतर में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है, वही क्रियाएं हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये चेंज इतना प्रभावी होता है कि इसको शरीर के बाहरी सतह पर अर्थात स्किन पर भी रिकॉर्ड किया जाता है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा के मापन का यंत्र है, तो गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही संवेदनशील होता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये वास्तव में एक गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत ऊर्जा का मापन करता है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक कागज़ की पट्टी पर जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं उन्हें ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है, ग्राफ के रूप में अंकित करता है, और जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वास्तव में इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रोड्स शरीर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, हाथों पर, पैरों पर और चेस्ट पर, सीने पर, चार से अधिक 12 तक इलेक्ट्रोड लगाए जा सकते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स ही विद्युत ऊर्जा का मापन करके यंत्र में भेजते हैं, यंत्र उन्हें ग्राफ के रूप में प्लॉट कर देता है। तो ECG अगर देखेंगे, यहाँ चित्र बना हुआ है, तो इसमें आपको PQRS और T ये अवस्थाएं दिखाई देती हैं। जो P अवस्था है वो एट्रियम के एक्टिवेशन की अवस्था कहलाती है। वास्तव में ये वही अवस्था है जब साइनोवैरिकुलर नोड सक्रिय हुआ था, SA नोड में इंपल्स जनरेट हुआ था और आर्टिकल्स का संकुचन हुआ था, इसको P अवस्था कहते हैं। अगली फेज आप देखेंगे इस ग्राफ में, बहुत ऊपर जा रही है ग्राफ, ये QRS फेज दिखाई देगी। क्यू नीचे है, R सबसे टॉप पर है और S नीचे है, इसको QRS अवस्था कहते हैं। ये वेंट्रिकल के सक्रिय होने की, वेंट्रिकल के संकुचन की अवस्था है, और सबसे इसके आगे जाने पर आप देखेंगे T अवस्था कहलाती है। जो T अवस्था है ये वास्तव में रिपोलराइजेशन अर्थात रिलैक्सेशन की अवस्था प्रारंभ होती है, तो ये T अवस्था है। तो तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं, P, दूसरी अवस्था QRS, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, और T। अगर इनमें विद्युत की मात्रा देखें तो P अवस्था में ये 0.1 मिली वोल्ट होती है, QRS का जो R हाईएस्ट फेज है उस R फेज में ये 0.95 अर्थात P से 9 गुना अधिक 0.95 मिली वोल्ट होती है, और T अवस्था में ये 0.3 मिली वोल्ट होता है। तो ये ECG होता है, सामान्य ECG यहाँ हमने चित्र दिखाया हुआ है। हृदय में ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं अर्थात जब वेंट्रिकल भर जाते हैं, वेंट्रिकल के भरने पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको हार्ट की फर्स्ट साउंड, प्रथम ध्वनि कहते हैं। ये पहली आवाज़ है, पहली ध्वनि है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व अर्थात बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धमनियों के बेस पर सेमी लूनर वाल्व स्थित होते हैं उनके बंद होने पर ध्वनि निकलती है, उसे सेकंड साउंड ऑफ हार्ट कहते हैं। तो प्रथम आवाज़ को लब कहते हैं, दूसरी आवाज़ को डप कहते हैं। तो ये सामान्य प्रचलन में कहा जाता है कि हृदय लब डप इस तरह की आवाज़ करता रहता है। ये फर्स्ट और सेकंड साउंड्स हैं, यही मुख्य रूप से हृदय में सामान्य तौर पर कान को सुनाई देती हैं। एक तीसरी आवाज़ भी मानी जाती है जो चिल्ड्रन में, बच्चों में आती है, जब वेंट्रिकल एक्टिव होता है रिलैक्स अवस्था से संकुचित होने लगता है तो वेंट्रिकल की दीवारें ये आवाज़ करती हैं। ये बच्चों में पाई जाती है आवाज़, बहुत मंद, बहुत ही स्लो साउंड होती है, इसको थर्ड साउंड कहते हैं।
फोर्थ साउंड जो होती है वो वास्तव में जब रक्त तेजी के साथ बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वाल्व से होकर के निकलता है तो ये एक तरह से घरघराहट की आवाज़ है, ये मर्मरिंग साउंड या घरघराहट की आवाज़ कहलाती है। ये सुनाई बहुत कम देती है लेकिन इसको फोर्थ साउंड माना जाता है। फर्स्ट और सेकंड साउंड जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से और सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती हैं, यही प्रमुख ध्वनियाँ हैं हार्ट की। और अब बात कर लेते हैं रक्तदाब की। जब रक्त तेज़ी से पंप किया जाता है तो वो रक्त की नलिकाओं पर एक दबाव डालता है और रक्त की नलिकाएं उतना ही दबाव रक्त पर डालती हैं। ये जो दबाव डाला जाता है इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको नापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं और इसका इकाई जो होता है वो पारे का मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ एचजी, पारे के मिलीमीटर में इसको नापा जाता है। सामान्य सिस्टोलिक अवस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको 120 मिलीमीटर एचजी पारे के बराबर देखा गया है और डायास्टोल के समय ये प्रेशर, क्योंकि डायास्टोल फिलिंग अवस्था है, पंपिंग अवस्था नहीं है, तो फिलिंग अवस्था में ये 80 या 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, अर्थात पंपिंग के समय 120 और फिलिंग के समय 80 मिलीमीटर पारे के बराबर रक्त का दाब रक्त की मुख्य धमनियों में होता है। और ये जो वैल्यूज हैं 120 और 80 की वैल्यूज हैं, ये जो मान हैं ये परिवर्तनशील हैं, ये आयु के अनुसार या स्वास्थ्य की अवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर ये वैल्यू बहुत अधिक हो जाए, 150 या 160 से अधिक हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ये वैल्यू बहुत कम हो जाए, 120 से घटते हुए 70 आ जाए, 80 आ जाए तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। अब एक बात और देख लेते हैं, कार्डियक आउटपुट, हृदय से कितना रक्त निकलता है एक मिनट में, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, पर एक मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया गया रक्त की मात्रा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो हार्ट का रेट अर्थात प्रति मिनट कितनी बार हृदय में स्पंदन हो रहा है। हम जानते हैं कि एक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरा होता है तो इसलिए एक मिनट में 72 साइकिल होता है तो हार्ट रेट हो गया 72। दूसरी वैल्यू जो हमें चाहिए वो है SV, स्ट्रोक वॉल्यूम, अर्थात एक बीट में कितना रक्त पंप किया जाता है। इसकी वैल्यू 70 मिलीलीटर पाई गई है कि एक बीट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 और 70 को, तो लगभग ये 5000 मिलीलीटर पर मिनट अर्थात लगभग 5 लीटर रक्त एक मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। तो ये बच्चों हृदय के फंक्शनिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। जो ECG होता है, जो हृदय की ध्वनियाँ होती हैं, हर्ट साउंड्स होते हैं, और जो रक्त का दाब ब्लड प्रेशर होते हैं, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पहचानने में किया जाता है। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिए हैं, एक में हमने ECG को प्रदर्शित किया हुआ है और दूसरा डायग्राम कार्डियक साइकिल में होने वाली सभी घटनाओं को इस डायग्राम के अंतर्गत दिखाया गया है। आप इसमें देखेंगे तो वेंट्रिकल और आर्टिकल के लिए अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं और आप इनको ध्यान से देखेंगे, कोई समस्या होगी तो मुझे सूचित करेंगे। थैंक यू बच्चों।